नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल जीएसपी वीना एजुकेशन फॉर यू में। जैसा दोस्तों यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस के सिलेबस में काफ़ी बदलाव हुए हैं, सो उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपना जो वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है उसमें लास्ट वीडियो मैंने लव कैनाल डिजास्टर, जो डिजास्टर से रिलेटेड लास्ट यूनिट है उसमें एक टॉपिक है उसका डाला था। अब एक जो उसी में एपिडेमिक डिसीजेस से रिलेटेड एक यूनिट है उसमें फ्लोरोसिस टॉपिक है उससे रिलेटेड मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। सो दोस्तों वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं टॉपिक फ्लोरोसिस। सो फ्लोरोसिस बेसिकली नाम से ही पता है कि इट इज़ कॉज्ड बाई द फ्लोराइड्स। सो फ्लोराइड इज़ deposited in our body in especially in soft tissues, so it causes fluorosis. And injection of excess fluorides most commonly in drinking water can cause fluorosis. So जब हम drinking water especially ग्राउंड वाटर के थ्रू फ्लोराइड का इंजेक्शन कर लेते हैं हमारी बॉडी में, ज़्यादा कंजप्शन हो जाता है तो उससे आपका फ्लोरोसिस डिसीज़ होती है। अब ये दो टाइप से है कि अगर हमारे पास कम फ्लोराइड्स जैसे मॉडरेट अमाउंट है ये हमारी बॉडी में जाता है तो ये डेंटल डिफेक्ट्स पैदा करता है, और ज़्यादा अमाउंट अगर जाता है तो हमारा स्केलेटल प्रॉब्लम्स ये क्रिएट करता है। सो इसमें जो डेंटल में है उसमें डिकलराइजेशन ऑफ टीथ हो जाता है, क्रिपिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जो दांत हैं उसकी चमक खो जाती है, उसमें धीरे धीरे गलन पैदा होने लगती है। सो इस तरीके से ये डेंटल फ्लोरोसिस होता है। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं जो शुरुआती दौर होता है उसमें धीरे धीरे वाइट क्लैम्प्स और येलो स्पॉट हमारे दांतों में आते हैं, धीरे धीरे ये येलो स्पॉट और भी ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, अल्टीमेटली हमारा बहुत सारा पोर्शन दांत का डैमेज हो जाता है। इसको हम डेंटल फ्लोरोसिस के अंडर रखते हैं। अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये एंडेमिक डिसीज़ एक घोषित की गई है नियर अबाउट 24 कंट्रीज़ में। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में जो इंडिया एंड चाइना है इसमें सबसे ज़्यादा ये इफ़ेक्ट देश हैं। अमेरिका की बात करें तो मैक्सिको इसमें है, और लैटिन अमेरिका की बात करें तो अर्जेंटीना जो कंट्री है वहाँ पर ये है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में ईस्ट और नॉर्थन पार्ट ऑफ अफ्रीका है वहाँ पर ये एंडेमिक डिसीज़ है। स्पेशली अगर हम यूनिसेफ का जो मैप उठा के देखें तो इसमें ये कंट्रियां मैक्सिको, अर्जेंटीना इन लैटिन एंड नॉर्थ अमेरिका, और अफ्रीकन कंटिनेंट की हम बात करें तो जो ब्लू पार्ट्स में आप देख सकते हैं इथोपिया, युगांडा, कीनिया, तंजानिया, लीबिया, इजिप्ट, अल्जीरिया, मोरक्को, ये सब जो कंट्रियाँ हैं, सीरिया, ये सब इसमें ये फ्लोरोसिस है। अगर एशिया की बात करें तो इसमें इंडिया, चाइना, जापान, ईरान, इराक, ये सब कंट्रियों में जो है फ्लोरोसिस ज़्यादा पाया गया है, और ऑस्ट्रेलिया में भी फ्लोरोसिस के ये जो है इफ़ेक्ट पाए जाते हैं। स्पेशली इन सब कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो जो फ्लोराइड है वो अबव देन परमिसेबल लिमिट है। सो फ्लोराइड की परमिसिबल लिमिट क्या है ड्रिंकिंग वाटर में, अगर हम BSI जो ब्यूरो स्टैंडर्ड ऑफ इंडियंस हैं उसके अकॉर्डिंगली ये 1 PPM या 1 mg पर लीटर होना चाहिए, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा है तो 1.5 तक इसकी हम परमिट करते हैं ड्रिंकिंग वाटर में। और WHO अगर है तो WHO 1.5 मिलीग्राम पर लीटर तक ये परमिट करता है, इससे ज़्यादा है तो ये ड्रिंकिंग पानी सूटेबल नहीं है। सो इससे ज़्यादा अगर हम लेते हैं तो ये वो वाटर आपके डेंटल और स्केलेटल प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और लॉन्ग टाइम हम टैप करते हैं तो इट मे कॉज सम सीरियस प्रॉब्लम ऑफ अवर स्केलेटल ऑल्सो। इंडिया की हम बात करें तो मोस्टली जो गुजरात, राजस्थान और कुछ पार्ट ऑफ आपका बिहार और झारखंड में ये ज़्यादा फ्लोराइड आयंस हैं वो ज़्यादा उसका प्रेजेंस है। सो इन केस ऑफ देखो आप नॉर्थ गुजरात और जो राजस्थान है वहाँ पे जो फ्लोराइड 1 to 4.4 और 0.9 to 5.6 mg per liter तक जो है ये इसका करेंस है,
कुछ जगह पे ये आपके झारखंड में भी ये कहाँ कहाँ पे, और ये आपका महाराष्ट्र रीजन में, आप कर्नाटका में, ये सब जहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें ये बहुत ज़्यादा अकरेंस है। सो मेन सोर्स ऑफ फ्लोराइड इन ग्राउंड वाटर इज द रॉक विच आर रिच इन फ्लोराइड्स। जितनी रॉक्स हैं वहाँ पे ये फ्लोराइड्स, ये ग्राउंड वाटर का जो एक्वीफर है वहाँ पे आ जाता है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल अफेक्टेड बाई हाई फ्लोराइड कंसनट्रेशन इन ग्राउंड वाटर लिव इन दैट ट्रॉपिकल कंट्रीज वेयर द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ वाटर इज मोर बिकॉज ऑफ द प्रेवेलिंग क्लाइमेट। अब जो भी ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, चाइना, अफ्रीकन कंट्रीज, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, सो वाटर कंजप्शन यहाँ पे ज़्यादा है लोगों के द्वारा, वाटर कंजप्शन, ग्राउंड वाटर कंजप्शन ज़्यादा है, उससे फ्लोराइड उनकी बॉडी में ज़्यादा पहुँचता है। सेकेंड थिंग इज टाइप ऑफ फ्लोराइड। सो टाइप ऑफ फ्लोराइड्स तीन टाइप का बेसिकली है, जिसमें मेजर होता है डेंटल फ्लोरोसिस, स्केलेटल फ्लोरोसिस, उसके बाद फ्लोराइड टॉक्सिसिटी। सो डेंटल फ्लोरोसिस ये डिस्टर्ब करता है हमारे डेंटल एनिमल्स को, जो एनिमल पार्ट होता है हमारा दांतों का उसको ये इफेक्ट करता है, और ये इसमें जो है डिकलराइजेशन हो जाता है, हमारी दांत का जो चमक है वो चली जाती है। स्केलेटल में हमारी बोन होती हैं वो डिफॉर्म्ड हो जाती हैं, बोन्स अच्छे से काम नहीं करती हैं और उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। फ्लोराइड टॉक्सिसिटी, जब हम ज़्यादा लेवल ऑफ फ्लोराइड अपटेक कर लेते हैं तो ये भी बॉडी में गलत इफेक्ट करता है। सो डेंटल में जो टूथ एनिमल होता है वो हमारे जो बॉडी का जो है वो हाइड्रो ऑक्सी पेटाइट्स का 87% एक क्रिस्टलाइन कैल्शियम फॉस्फेट होता है उसका बना होता है, हाइड्रोक्सी पेटाइट, ठीक है। फ्लोराइड जो होता है वो स्टेबल होता है इस कंपाउंड से, हाइड्रोक्सी टाइट से। ये क्या करता है, जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं इसको ये फ्लोरोपेराटाइट से ये डिस्प्लेस कर देता है, तो इससे जो जो हमारा जो स्टेबल कंपाउंड है वो इससे डिस्प्लेस हो जाता है, और हमारा जो एनिमल का 87% पार्ट है वो धीरे धीरे उसका कलर चला जाता है। और ये कब होता है, अगर हम ज़्यादा जो आपका 7 साल से ज़्यादा तक जो है वो हम अगर एक्सेस फ्लोराइड ले लेते हैं तब ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। सो जो हमारा मॉडलिंग ऑफ डेंटल एनिमल इसको बोलते हैं, ये जो आपका जो डिकलराइजेशन ऑफ एनिमल होता है इसको स्पेसिफिक हम ये बोलते हैं मॉडलिंग ऑफ डेंटल एनिमल। और ये जो हमारा 1.5 mg/L से ज़्यादा हम अगर 7 साल तक लेते हैं तो ये स्टार्ट हो जाती है प्रोसेस। अब इसको क्लासिफाइड किया गया है, इसको डीन्स इंडेक्स भी बोलते हैं, जो हम अपना डेंटल जो फ्लोरोसिस है इसके जो कोडिंग की गई है। सो नॉर्मल जिसको 010 कोड से दिया गया है इसको डीन्स इंडेक्स भी बोलते हैं, तो क्वेश्चन आ सकता है डीन्स इंडेक्स इज रिलेटेड टू विच डिसीज, सो डेंटल फ्लोरोसिस। सो इसमें नॉर्मल है जिसमें कि यूजली ग्लास लाइक हमारा जो स्ट्रक्चर होता है एनिमल वैसा दिखता है, ठीक है। इसके बाद वन कोड है जिसको क्वेश्चनेबल की क्लास में रखा गया है, इसमें जो वाइट धीरे धीरे फ्लैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, वाइट स्पॉट आना स्टार्ट हो जाते हैं हमारे दांतों पे। वेरी माइल्ड में धीरे धीरे जो एरिया होता है वो स्केटर्ड हो जाता है और हमारे पूरे दांत में जगह जगह ये स्पॉट हो जाते हैं, और 25% ऑफ एरिया हमारे टूथ सरफेस का ऑक्यूपाई कर लेते हैं। माइल्ड में ये एरिया बढ़ के 50% हो जाता है और उसकी ओपेसिटी और ज़्यादा हो जाती है, और ये हमारे दांतों का लगभग 50% ऑफ एरिया कवर कर लेता है। मॉडरेट में ये पूरा एनिमल का सरफेस में इफ़ेक्ट हो जाता है और इसका जो ब्राउन स्टेन का कलर धीरे धीरे दिखने लगता है, और सीवियर में हमारा पूरा एनिमल है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है और जो ब्राउन स्टेन कलर है वो पूरे में यानी फैल जाता है और दांत हमारे कोरोडेड होने लगते हैं। सो दिस इज डीन इंडेक्स और ये उसकी क्लासेस थी। इसके अलावा स्केलेटल फ्लोरोसिस,
स्केलेटल फ्लोरोसिस में क्या होता है कि फ्लोराइड्स बहुत देर तक, अगर हम बॉडी में काफ़ी टाइम्स तक फ्लोराइड से कंटामिनेटेड वाटर हमारी बॉडी में जाता है, तो इससे हमारे एक्यूट टू क्रॉनिक स्केलेटल फ्लोरोसिस फैल जाता है। इसमें जो डिपोजिशन है वो लगभग 10 to 20 mg फ्लोराइड पर डे, हम 10 साल तक अगर वाटर हमारे बॉडी में इस तरीके का वाटर डिपोजिट हो जाता है तो ये होने लगता है। सो अर्ली स्टेज में क्या होगा कि हमारी बोन्स में पेन होगा, जॉइंट्स में पेन होगा, मसल्स में वीकनेस आएगी, स्पोरेडिक पेन होगा। इसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है, हमारी बोन्स की डिसेबिलिटी होने लगती है और उसमें जो शेप होता है वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है, अल्टीमेटली बंदा है जो वो हैंडीकैप्ड हो जाता है। तो स्केलेटल फ्लोरोसिस के ये फीचर्स होते हैं। तो इस टाइप से आप देख सकते हो ये सब स्केलेटल फ्लोरोसिस में से अफेक्टेड लोग हैं। सो इसके अलावा फ्लोराइड टॉक्सिसिटी, जैसे इनहेलेशन आप कर लेते हैं फ्लोराइड की डस्ट, फ्यूम्स जो हैं फ्लोराइड्स की, जो वर्कर इंडस्ट्री में काम करते रहते हैं वो फ्लोराइड से, ड्रिंकिंग वाटर से फ्लोराइड चला जाता है। सो ये सब कॉमन फ्लोराइसिस के सोर्सेज हैं। इसके अलावा जो इंडिया में जैसे नालागोंडा डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना में, वहाँ पर फ्लोरोसिस ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर ग्राउंड वाटर में फ्लोरोसिस बहुत, फ्लोराइड्स का कंटामिनेशन है। सो इंडिया में भी अगर हम पूरा देखें तो बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे फ्लोराइड्स का लेवल है वो रिकमेंडेशन से ज़्यादा है। सो अब इससे जुड़े हुए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ लोअरिंग द अमाउंट ऑफ फ्लोराइड इन फ्लोरिनेटेड वाटर एट ऑप्टिमम लेवल टू प्रिवेंट फ्लोरोसिस इज नोन एज डीफ्लोरिटेशन। इसका आंसर है डीफ्लोरिटेशन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रॉपिकल इफेक्ट ऑफ फ्लोराइड्स इन प्रेवलिंग डेंटल केयर कैरीज एक्सेप्ट। सो इसमें डिक्रीज ओरल पीएच, इसके अलावा इनहिबिट डीमिनरलाइजेशन, एनहेंस रिमिनरलाइजेशन, इनहिबिट बैक्टीरियल एक्टिविटी, ये सब करता है, केवल पीएच इज नॉट ए यानी मार्कर। अगला क्वेश्चन है, स्केलेटल फ्लोरोसिस इन सीन इन ड्रिंकिंग वाटर फ्लोराइड्स लेवल मोर देन 20 ppm। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइन ऑफ डेंटल फ्लोरोसिस एक्सेप्ट। सो इसमें स्लाइट ग्रीन स्टेन नहीं होती है, बाकी जो डार्क ब्राउन स्टेन एरियाज वेरी वाइटर देन नॉर्मल एनिमल पिटिंग ए इन ऑफ एनिमल सरफेस, ये सब होते हैं। इन विच प्रोसेस द फ्लोराइड कंटेंट ऑफ वाटर इज राइज्ड। सो ये फ्लोरिडेशन से जो फ्लोराइड का कंटेंट है वाटर में बढ़ जाता है। व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर कंटेन 8 to 20 ppm, तो क्रिपिंग फ्लोरोसिस इसको बोलते हैं वो का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर डीफ्लोरिडेशन, सो कॉपर सल्फेट इसमें यूज नहीं होता है। सो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए फ्लोरोसिस से जुड़े। अगला वीडियो मैं 1 to 2 दिन में डाल दूंगा। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि ऐसे ही वीडियो आपको मिल सकते हैं। थैंक्स।